brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं उन्हें जेल में डालने का काम किया जा रहा। धनंजय सिंह जी को जेल में डाल दिया गया। आज राजपूत जाग गया, आज हमें पता लग गया कि हमारा अपना कौन है। जो पार्टी हमारी रीढ़ की हड्डी रही ना, जिस पार्टी की हम रीढ़ की हड्डी रहे, उसी पार्टी को आज तक वजूद में हम लेकर आए। आज उस पार्टी ने ही हमें छलने का काम करा। जिस सांप को हमने दूध पिलाया, उसी सांप ने आज हमें डसने का काम किया। और सुनो, नारा है हमारे क्षेत्र के अंदर, योगी जी, हम योगी जी को कहना चाह रहे कि 12 तारीख को वो बड़गांव क्षेत्र में आ रहे, और हम बता रहे योगी जी से बैर नहीं, हाई कमांड की खैर नहीं। पश्चिमी यूपी में राजपूतों ने बीजेपी के खिलाफ झंडा बुलंद कर रखा है। खासकर सहारनपुर लोकसभा में ठाकुर बाहुल इलाके में बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल के खिलाफ पूरा माहौल टाइट हो गया है। ऐसा एक वीडियो सिमलाना गांव से सामने आया। बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल अपने राजपूत बिरादरी के नेता और राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के साथ प्रचार करने पहुंचे। प्रचार करना तो दूर, उन्हें वहां राजपूतों ने घेर लिया। घेरने के बाद ही बीजेपी विरोध के नारे लगे, और जब समझाने की कोशिश की तो आसपास के लोग होटिंग करने लगे। न सिर्फ सहारनपुर बल्कि मुजफ्फरनगर में भी संजीव बालियान को राजपूत विरोध का सामना करना पड़ा है। इससे पहले 7 मार्च को सहारनपुर में ठाकुर पूरन सिंह ने क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ बुलाया था, जहां इस बात की कसम ली गई कि इस बार राजपूत बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ऐसे में हमने राघव लखनपाल और कुंवर ब्रजेश सिंह का विरोध करने वाले गांव वाले से पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके अंदर विरोध का आलम यह है कि उन्होंने साफ साफ नारा दे दिया कि योगी तुझसे बैर नहीं, बीजेपी तेरी खैर नहीं। दादाजी, जो रात बीजेपी प्रत्याशी का विरोध हुआ, किस चीज को लेकर हुआ? यह राजपूतों की अनदेखी करने का हुआ। तो क्या निर्णय लिया गया? निर्णय तो 7 तारीख में राजपूतों ने वहां ननौता दिया था, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। फिर इस परिचय दे भाई, आपका नाम? मेरा नाम प्रिंस राणा है। प्रिंस, जो बीजेपी के जो प्रत्याशी आए हुए थे और आपके राज्य मंत्री भी आए हुए थे, हालांकि राज्य मंत्री ठाकुर है, फिर भी विरोध किस चीज को लेकर? विरोध जो ठाकुर है ना, ये मंत्री इन्हें ही बचाने का है जी। जो बीजेपी पार्टी ने क्षत्रियों के साथ अपमान करने का कार्य किया, जो बीजेपी पार्टी ने हम सबको एक तरीके से बैकफुट पर डालने का काम किया, उन सबको बचाने का ही काम है। क्या बीजेपी को नहीं पता कि क्षत्रियों का आज क्या दुर्दशा हो रही देश के अंदर? जो गुज्जर या जो अदर बिरादरी है, वो जिस तरीके से हमें टारगेट करें, हमारी बहन बेटियों को गाली दें, क्या बीजेपी के बड़े लीडरों को नहीं पता? हाईकमान हमारे टिकट बराबर काटते हुए जा रहे, योगी जी चुप हैं, राजनाथ सिंह जी का पद घटा दिया गया, और साथ साथ जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं उन्हें जेल में डालने का काम किया जा रहा। धनंजय सिंह जी को जेल में डाल दिया गया। आज राजपूत जाग गया, आज हमें पता लग गया कि हमारा अपना कौन है। जो पार्टी हमारी रीढ़ की हड्डी रही ना, जिस पार्टी की हम रीढ़ की हड्डी रहे, उसी पार्टी को आज तक वजूद में हम ले आए। आज उस पार्टी ने ही हमें छलने का काम करा। जिस सांप को हमने दूध पिलाया, उसी सांप ने आज हमें डसने का काम किया। और सुनो, नारा है हमारे क्षेत्र के अंदर, योगी जी, हम योगी जी को कहना चाह रहे कि 12 तारीख को वो बड़गांव क्षेत्र में आ रहे, और हम बता रहे योगी जी से बैर नहीं, हाई कमांड की खैर नहीं। फिलहाल अभी देखना दिलचस्प होगा कि पहले फेज की 8 सीटों में ठाकुर विरोध का कितना असर देखने को मिलता है। क्या सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और कैराना में बीजेपी फंसती है या साफ साफ निकल जाती है? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देवबंद से पिंटू शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।